हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे भोपाली पोहा। ये भोपाल में काफ़ी पॉपुलर है। ये आप कहीं पे भी कहीं पे भोपाल में जाएंगे तो हर जगह आपको अवेलेबल होगा। लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भोपाल में। तो आइए हम बनाते हैं भोपाली पोहा। और भोपाली पोहा बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए ये पोहा, जिसे हम नॉर्मली फ्लैट राइस भी बोलते हैं, फ्लैटन राइस भी बोलते हैं। सेकेंड चीज़ आपको चाहिए अनियन। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज प्याज लिए हैं, उनको चॉप कर लिया है, एकदम फाइनली चॉप कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए ये है पीनट्स, मूंगफली के दाने अराउंड 1/2 कप। और ये है टर्मरिक पाउडर, हल्दी। ये है सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, आपको जैसे भी टेस्ट के अकॉर्डिंग सही लगे। और ये है मेरे पास यहाँ पे फेनल सीड, जिसे हम सौंफ कहते हैं। और ये है हमारे पास राई। और ये शुगर है, हम इसे थोड़ा सा यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। और ये मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, जिसको मैंने एक ग्रीन चिली को थोड़ा छोटा काट लिया है और इसको हमने स्लिट कर लिया है लंबा लंबा। हमने पोहा लिया था, ये अराउंड 1.5 कप लिया था, जिसको मैंने वॉश कर लिया है। और अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे अपनी। इसको क्विकली आपको वॉश करना है, जब तक आपकी सॉर्टिंग होगी अनियंस वगैरह और चिलीज़ की, तब तक ये थोड़ा फूल जाएगा और फिर हमें इसे यूज़ करना है। और इसे आप काफ़ी देर तक नहीं भिंगोएंगे, अदरवाइज़ ये काफ़ी सॉगी सा हो जाएगा और फिर टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा, मशी हो जाएगा बनाते टाइम। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें हम सबसे पहले पीनट्स रोस्ट करेंगे। आपको ये जब पीनट आप रोस्ट कर रहे हैं तो आप इसे कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए, जिससे क्या है कि आपकी ये जो मूंगफली के दाने हैं वो जलेंगे नहीं और अच्छी तरह से चारों तरफ से वो अच्छे से भुन जाएंगे, रोस्ट हो जाएंगे। और ध्यान रखिए कि फ्लेम को ना ज़्यादा हाई पे रखिए, ना ज़्यादा लो पे रखिए, अदरवाइज ये जलने का भी डर है और फिर हमारे मूंगफली का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारी मूंगफली रोस्ट हो चुकी है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो हमने सबसे पहले ले लिया है थोड़ा सा तेल। अब ये तेल हमारा हीट हो चुका है तो अब हम इसमें सौंफ और राई डाल देंगे। ये हमारी राई में पॉपिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम सबसे पहले डालेंगे इसमें अनियन, ग्रीन चिली और अब हमें इसे भूनना है। जब तक हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें इसे चलाते हुए भूनना है। अच्छे से हो चुका है ब्राउन और अब हम इसमें डालेंगे टर्मरिक, हल्दी अराउंड 1 टीस्पून। और अब हम अपना पोहा डालेंगे इसमें। आप देख सकते हैं कि पोहा जो हमारा है, हमने जब इसे धोया था तो काफ़ी मतलब ये इसमें पानी था और थोड़ी देर में इसने अपना पूरा पानी और एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब इसका एक एक देख सकते हैं आप, दाना पूरा अलग अलग हो रहा है। अब हमें इस पोहे को डालना है प्याज में। इसी में हमें शुगर भी डालना है अपना, जो हमने लिया था।
ये शुगर हमारा था 1 टीस्पून के अराउंड। और इसमें सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। एंड लास्ट में पीनट्स जो हमने रोस्ट किए हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको अच्छे से मिक्स करना है, इनको एक अच्छा गुड क्विक मिक्स देना है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है हमारे पोहे में। बस ये ऑलमोस्ट बन गया है, बस हमें इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के रखना है। अब हम 2 मिनट के लिए अपने पोहे को ढक देंगे। तो अब हम अपनी गैस को टर्न ऑफ कर देंगे और अपना पोहा खोल लेंगे। इसमें हम कुछ कोरिएंडर डाल देंगे, हरा धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको एक फाइनल टॉस देंगे। बस ये हमारा मिक्स होके तैयार हो गया है। लीजिए, हमारा पोहा रेडी है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए गाइस, हमारा पोहा रेडी है। अब हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से सेव के साथ, जो कि आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगे इजीली, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे। तो लीजिए गाइज़, ये हमारा भोपाली पोहा तैयार है। और ये बहुत अच्छा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है, एक स्नैक्स के तौर पे भी बहुत अच्छी चीज़ है, जो आप बना सकते हैं, अपने बच्चों के को खिला सकते हैं, अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। और बस मैं आपसे बोलूँगी, इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी है। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।